नमस्कार दीजिए। इस समय 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में इस वक्त रिस्पेक्टेड तेजस्वी सिंह जी गहलोत पूजे हैं, जो कि राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं। जालौर बनाम ऑफिशियल के साथ हैं इसमें मुखातिब होते हुए संजू जी वर्मा, साजिद जी, अंजू जी चौधरी। इस समय ये टीम है भीलवाड़ा की, जालौर जम्बो बनाम भीलवाड़ा, दो मजबूत टीमें आमने सामने, और बड़ा मैच इस समय देखना ना भूले। लीजिए इस वक्त जालौर जम्बो बनाम भीलवाड़ा के बीच टॉस होता हुआ। भीलवाड़ा टीम की कैप्टन इस वक्त, वहीं जालौर की कैप्टन इरफाना बानो। चॉइस यहां जालौर ने कोर्ट रखा है टॉस जीतकर। खेल शुरू इसी के साथ, पहली रेड के ऊपर 11 नंबर जर्सी में, और यहां लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन डिफेंस। इस समय भीलवाड़ा का पहला अंक भीलवाड़ा की झोली में जाता हुआ, और यहां एक 4 नंबर जर्सी में आगे बढ़ते हुए स्टार राइडर भीलवाड़ा की ओर से, और एक अंक फिर से गवाया इरफान बानो ने। 2-1 से आगे इस वक्त भीलवाड़ा जालौर के सामने, लेकिन जालौर की कप्तान इस समय तमन्ना देखते हैं, शायद सीमा है, तमन्ना नहीं है। इरफाना बानो थी और सेफ वापस गई डी लाइन को क्रॉस करने के बाद 4 नंबर में। एक बार फिर से बोनस का प्रयास, लेकिन 5 और 5 से कम के डिफेंस में बोनस ऑफ, इसलिए टच पॉइंट की कोशिश की गई थी वहां कॉर्नर के ऊपर। एक नंबर में देखे इस वक्त इरफाना बानो को टच करने की कोशिश की, और जी हाँ, एक और टच पॉइंट जाता हुआ भीलवाड़ा 3-0 से आगे। पहले पॉइंट की तलाश, और यहाँ बेहतरीन डिफेंस, काफ़ी देर से मशक्कत, और उसमें सफलता भीलवाड़ा को मिलती भी मजबूत स्थिति में 4 अंक पे पहुँचता हुआ। और यह एंगल होल्ड है मजबूत, अब छोड़ने वाला नहीं सुपर टेकल से। यहाँ अब 2 पॉइंट दिखाई देंगे, बेहतरीन टैकल जिसकी बदौलत 2 पॉइंट का इशारा संजू जी वर्मा द्वारा। सीमा चली है इस वक्त 11 नंबर में, टीम की हरफत मौला खिलाड़ी स्टार, लेकिन बढ़त भीलवाड़ा के पास है। शुरुआती समय खेल का थाई होल्ड बेहद खूबसूरत, जिसकी बदौलत सीमा को बाहर जाना होगा, और भीलवाड़ा मजबूती के साथ खेल को आगे बढ़ाता हुआ सुपर टेकल में अब दिखाई देने लगा है इरफाना बानो। सीमा तमन्ना माफ कीजिए, और कॉर्नर के ऊपर टच पॉइंट बटोरने में कामयाब, बाहर जाना होगा। जी हाँ, तमन्ना ही आगे बढ़ी है, और बेहतरीन बल्लों की आसानी के साथ ऑल आउट का खतरा मंडराने लगा है भीलवाड़ा। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट के कगार पे कैच करने के नाम काम का अवशेष, और यहाँ अब ऑल आउट के साथ ही 3 पॉइंट भीलवाड़ा को। फिर से यहाँ स्टार राइडर टीम की इस वक्त, और बलों को तोड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचे हैं सफलता के साथ जालौर की झोली में, लेकिन इसमें टीम की कप्तान जालौर की स्टार राइडर 1 नंबर जर्सी में इस वक्त देखिए, बोनस का अच्छा प्रयास किया है और शायद मिलना चाहिए, इंतज़ार करना होगा रेफरी का। 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 का इस वक्त सेकेंड डे, और आज का ये तीसरा मैच बोनस अर्जित करने में कामयाब, दबाव बनाने में कामयाब। शुरुआती समय में जिस प्रकार से ऑल आउट किया, दबाव में इस वक्त दिखाई देता हुआ जालौर भीलवाड़ा के सामने, हालांकि दोनों टीमें मजबूत है, और यहां लक्ष्य तक पहुंच गई जालौर की झोली में एक और अंक, लेकिन 1 नंबर स्टार ही आगे बढ़ रही हैं। मजबूत डिफेंस चाहिए थोड़ा सा जालौर को वापसी के लिए, क्योंकि ऑल आउट का जैसे सामना करना पड़ा मैच में भी पिछड़ा है, और यहां मजबूत टैकल है फिर से, और बाहर जाना होगा। एक बार फिर से शानदार डिफेंस जिसकी बदौलत जालौर की झोली में कुछ हद तक वापसी की है जालौर ने,
खासकर सुपर टेकल के बाद एक और बेहतरीन टेकल। और यहाँ अब सुपर टेकल में जालौर के सामने भीलवाड़ा दिखाई देने लगा है। देखते हैं यहाँ से पॉइंट चुराता है, फिर गंवाते हैं। लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, सिर्फ एक पॉइंट होगा। जी हाँ, अब मुश्किलें बढ़ती हुई। छः नंबर जर्सी में इस वक्त भीलवाड़ा, क्या यहाँ साफ चुकता करना चाहेगा जालौर? कैच करता तो फिर ऑल आउट का आसान अवसर होगा। मुश्किलों में इस वक्त थोड़ा सा भीलवाड़ा और अच्छी वापसी यहाँ जालौर के भीलवाड़ा के सामने। एंगल हो कॉर्नर के ऊपर पॉइंट चुराने में सफल, जिसकी बदौलत अब ऑल आउट का खतरा और गहराता हुआ। छः नंबर में क्या बोनस की ट्राई हो गई? बोनस तक तो पहुंच गई, बोनस खुला रखा है ताकि कैच करते हुए ऑल आउट किया जाए। देखते हैं आखिर कैच करते हैं या फिर। और यहां थाई होल्ड मजबूत है, इसी के साथ ऑल आउट और बोनस जरूर अर्जित किया, लेकिन तीन पॉइंट जाते हुए इस समय जालौर को। और है इस समय भीलवाड़ा 13 जबकि जालौर 11। और लगातार गणना करते हुए यहाँ पर देखिए साजिद जी, उनके साथ हैं अंजू जी चौधरी, तमाम ऑफिशियल्स। 13-11 के स्कोर में सिर्फ दो अंक पीछे है बेहतरीन वापसी करता हुआ। अपना हिसाब चुकता किया ऑल आउट का। दोनों ही टीमें एक दूसरे को एक एक बार ऑल आउट कर चुकी हैं। अब राइट कॉर्नर से पॉइंट तलाशने की कोशिश टीम की सबसे स्टार राइडर इस वक्त 5 नंबर जर्सी में तमन्ना, नहीं यहाँ संभावना में ही वापस लौटी 4 नंबर में। एक बार फिर से भीलवाड़ा आगे बढ़ता हुआ, दो अंक की बढ़त है और देखते हैं इस बढ़त का फायदा उठा पाता है कि नहीं। पहले हाफ का खेल, दोनों ही टीमें अच्छी संतुलित दिखाई दे रही, इसलिए रोमांचक मैच है। बोनस अर्जित करने में कामयाब, एक अंक के साथ अब 14 पे पहुंचता हुआ जबकि 11 के ऊपर जालौर, यानी 3 अंक पीछे मैच में। 1-2 रेड के बाद वापस दिखाई देगा मैच में, अच्छी रेड चाहिए। लेकिन एक बार फिर से बगर की शेंक के वापस लौटना पड़ा, बोनस लेने में कामयाब है। 4 नंबर में ही ज़्यादातर रेड लेके आगे बढ़ी हैं भीलवाड़ा की रेडर जालौर के पाले में। और यहाँ गलती की है जालौर की डिफेंडर ने, बोनस के साथ एक अंक गंवाता हुआ भीलवाड़ा इस वक्त, माफ कीजिए जालौर, भीलवाड़ा के सामने मजबूत होता हुआ इस समय 16 पे पहुंच चुका है जबकि 12 के ऊपर। लेकिन यहां गलती इधर से भी देखने को मिली, जालौर अब पहुंच चुका है 13 के ऊपर, 13-16 यानी 3 एक पीछे मैच में। मौका ढूंढने का प्रयास इस वक्त भीलवाड़ा के द्वारा। जालौर ने ग्रामीण ओलंपिक में बहुत बेहतरीन खेल दिखाया था और उसके ओलंपिक के सभी वीडियो लगभग आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, देखना ना भूलें। बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया फिर से, तो पॉपुलर वीडियो भी आप जाके देखेंगे तो भीलवाड़ा का वीडियो सबसे ऊपर मिलेगा आपको, जालौर जंबो का, माफ़ कीजिए। और यहाँ जालौर की झोली में एक और अंक, 15 पे पहुँचता हुआ जबकि 19 के ऊपर इस वक्त भीलवाड़ा। बोनस लेने में कामयाब, तो एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं भीलवाड़ा। और इस बढ़त को काटना सेकंड हाफ में आसान नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं यही बढ़त काटना चाहिए, इसी हाफ में जालौर को चांस लेना चाहिए। 6 का डिफेंस है, इतना आसान नहीं बोनस निकालना। और यहाँ पहुँची बोनस तक, जी हाँ जालौर जंबो की झोली में बोनस के साथ स्कोर में वृद्धि, 16 पे पहुंचता हुआ जबकि 20 के ऊपर है भीलवाड़ा। 5 अंक की बढ़त और यहां बेहतरीन टेकल, अब बाहर जाना होगा जालौर की झोली में एक और बहुमूल्य अंक। लीजिए फिर से टाइम आउट के बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ। स्कोर की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा 19 जबकि जालौर 16, 3 अंक पीछे है, लेकिन कम से कम एक दो रेड अच्छी चाहिए तभी वो बढ़त बना सकता है इस हाफ में। सेकंड हाफ का समय अब ज़्यादा नहीं, फर्स्ट हाफ का, माफ़ कीजिए। और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचता हुआ जालौर सफलता के साथ एक अंक,
थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा, सिर्फ दो अंक की बढ़त है, 17-19 का स्कोर। भीलवाड़ा के पास मामूली लीड है और यहाँ गलती की है, 2 से 3 पॉइंट गंवाए हैं, कमज़ोर डिफेंस साबित किया। देखते हैं संजू जी वर्मा का इशारा कितने अंक आता है। 3 पॉइंट जाते हुए सीधे भीलवाड़ा को, सीमा चली 11 नंबर में। अब बढ़त फिर से 5 अंक की, 24 पे पहुंचता हुआ। जबकि और यहाँ अब 4 नंबर जर्सी में फिर से आगे बढ़ते हुए चार का डिफेंस पॉइंट की कोशिश होगी ताकि सुपर टेकल का सामना करना पड़े फिर जालोर को। लेकिन पिछली रेड पे जो गलती दोहराई वो थोड़ी निराशाजनक थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 पॉइंट गंवाए थे। सीमा ही आगे बढ़ी है एक बार फिर, डिफेंस इधर भीलवाड़ा का थोड़ा सा मजबूत। उदयपुर में आयोजित इस समय 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप में यहाँ सीमा ने पॉइंट निकाल दिया, सीमा रेखा तक पहुँचते हुए। जालोर एक बार फिर बोनस की कोशिश है लेकिन शायद क्लियर नहीं, राइट कॉर्नर से पॉइंट की तलाश इस वक्त। 6 के डिफेंस में मजबूती के साथ खेल को आगे बढ़ाता हुआ भीलवाड़ा बोनस अर्जित करने में सफल, लेकिन बढ़त बरकरार है इस वक्त भीलवाड़ा की बालिका वर्ग में इस समय। और यहाँ कोशिश की थी छूने को, इरफाना बानो को साइड टच किया है, जी हाँ इरफाना बानो को बाहर भेज दिया। फिर से वही रेडर, काफ़ी अपेक्षाएं इस रेडर से जालोर की टीम को। तो जालोर के और ग्रामीण ओलंपिक के सभी मैच लगभग इसी चैनल पे आप देख सकते हैं और जिसमें अच्छे पॉपुलर व्यूज भी हैं, 1.5 मिलियन व्यूज देख सकते हैं आप। लेकिन इस वक्त देखिए अधिकतम व्यूज की बात करें तो बोनस अर्जित करने में फिर से सफल जालोर। 4 का डिफेंस, सेल्फ हाफ डे खिलाड़ी अब सुपर टेकल में फंसता हुआ, यहाँ गलती की है, 2 अंक गंवाए कुल मिलाकर। कमज़ोर होता हुआ फिर से भीलवाड़ा फर्स्ट हाफ के अंतिम समय में, मुश्किलें बढ़ती हुई लेकिन इस बालिका की दाद देनी होगी भीलवाड़ा की, लगातार प्रयास करती हुई। और यहाँ बलों को तोड़ते हुए लक्ष्य तक पहुँचे हैं कि नहीं, बोनस अर्जित किया लेकिन 1 पॉइंट इधर भी, 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को, ऑल आउट का आसान मौका, लक्ष्य के भी करीब थी लेकिन नहीं पहुंच पाई। और यहां अब ऑल आउट करता हुआ 3 पॉइंट जाते हुए सीधे भीलवाड़ा को। स्कोर की बात की जाए तो 29 भीलवाड़ा जबकि 21 जालोर, 8 अंक की काफ़ी बेशकीमती लीड इस वक्त जालोर के पास और इस लीड को काटना कहते आसान नहीं होगा। लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास और थोड़ी सी ढिलाई बरती और अब बाहर जाना होगा, अच्छा प्रयास था मगर उसी एक्शन से यदि आगे बढ़ती पहुंच जाती, लेकिन शायद उनका अनुमान यही था कि पहुंच गए हैं लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गई कुछ सेंटीमीटर और वो खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा जालोर को। तो 30 पे पहुँचता हुआ इसमें भीलवाड़ा जबकि 21 पे रुका हुआ जालोर। आज के खेल का ये तीसरा मैच बालिका वर्ग में, कल भी 3 ही मैच खेले गए थे लेकिन कल उद्घाटन ओपनिंग सेरेमनी था इसलिए बोनस हाफ टाइम इसी के साथ। हाफ टाइम के समय स्कोर है इस समय भीलवाड़ा 31 जबकि जालोर 21, 10 अंक की मजबूत लीड है भीलवाड़ा के पास और इसका फायदा उठाना चाहिए लगातार कोचिंग इस समय कोच के द्वारा भीलवाड़ा टीम को। इधर जालोर टीम की खिलाड़ियों बालिकाओं को भी लगातार हिदायत टिप्स दिए जा रहे हैं ताकि वापसी की जाए सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ शुरू होता हुआ इसी के साथ सीमा ही आगे चले हैं 11 नंबर में, मैच में 10-11 अंक पीछे और उसका दबाव अब दिखाई देगा सेकंड हाफ में। देखते हैं सेकंड हाफ में कैसे खेल को आगे बढ़ाता है जालोर। अच्छा प्रयास लंबा संघर्ष लेकिन
बगर किसी अंक के कम बैक। चार नंबर फिर से ये बेहतरीन स्टार इस समय भीलवाड़ा की और बोनस का अच्छा ट्राई किया है, लगातार अच्छा प्रयास करती हुई बोनस लेने में सफल। तो अच्छी शुरुआत सेकेंड हाफ में भी यहाँ भीलवाड़ा की बात की जाए तो दबाव बढ़ाने की कोशिश और उसी दबाव में दिखता हुआ इस समय जालो। थाई होल्ड मजबूत है और बहुत बेहतरीन तरीके से कैच किया है इस समय, जितनी तारीफ करें उतनी कम डिफेंडर की। दो नंबर में इस वक्त भीलवाड़ा की स्टार, पांच का डिफेंस कमजोर होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है जालोर का, लेकिन वापसी के लिए मजबूत डिफेंस चाहिए और यहाँ टच पॉइंट बटोरने में कामयाब सीमा, लगातार स्कोर में वृद्धि करता हुआ इस वक्त। भीलवाड़ा जालोर के सामने, ग्रामीण ओलंपिक में जालोर की टीम ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन वो टीमें अलग, यहाँ खेल अलग है। भीलवाड़ा अच्छी चुनौती पेश करता हुआ दबाव बनाने में कामयाब है। चार नंबर में इस वक्त भीलवाड़ा कंटिन्यू और बढ़त इस समय देखिए 12-13 पॉइंट की जो है उसके दबाव में है। चार का डिफेंस कमजोरियां साबित करता हुआ टच पॉइंट बटोरा पांव से पांव और फिर से गलती की है, लक्ष्य तक पहुंचते भी। देखते हैं सीमा कैसे खेल को आगे बढ़ाती हैं, जोखिम उठाना ही होगा, लगातार पिछड़ा मुकाबले में, अब 14 अंक पीछे है मैच में और ऐसी गलतियों से बचना होगा। वापसी के लिए कम से कम 2-3 अच्छी रेड चाहिए, इसके साथ साथ डिफेंस भी मजबूत रखना होगा। फिर से बगैर किसी अंक के वापस लौटना पड़ा, दाद देनी होगी इस स्टार की। चार नंबर में पहले हाफ में बेहतरीन प्रदर्शन और अब सेकंड हाफ में भी अच्छा कार्य कर रही है इस वक्त, तारीफ करें उतनी कम। सुपर टेकल है लेकिन लक्ष्य तक पहुंच जाएगा भीलवाड़ा आसानी से, कमजोरियों का फायदा उठाता हुआ भीलवाड़ा इस समय डू डाई का संकट भी इस समय देखिए तमन्ना मुसीबत में है इस वक्त। और यहां साइड लाइन से बाहर भेजता हुआ अपने ही वजन से गिरी, एक और अंक भीलवाड़ा की बागवानी में। अंतिम खिलाड़ी सीमा ऑल आउट का आसान मौका, और देखिए सेकेंड हाफ में भी ऑल आउट किया, 3 अंक जाते हुए उसके लिए बढ़ते हुए बोनस का प्रयास, लेकिन नहीं, टच पॉइंट की कोशिश जरूर, कहीं ना कहीं जूते के आसपास ही पाँव था और लक्ष्य तक पहुंच गई बिल्कुल, ये बड़ी रेड होगी। बोनस के साथ 3 पॉइंट और 4 पॉइंट के साथ बड़ी रेड यहाँ, तो वापस खेल में लौटता हुआ धीरे धीरे और एक बड़ी रेड से देखिए कैसे हौसले बुलंद हैं जालोर के। और यहाँ वही गलती फिर से दोहराई इस बालिका ने, कमजोर डिफेंस साबित होता हुआ और उसी के चलते बैकफुट पे जालोर इस वक्त भीलवाड़ा के सामने, जबकि भीलवाड़ा जीत की तरफ बढ़ने लगा शायद, क्योंकि दूसरे हाफ का खेल तेजी से आगे बढ़ता हुआ। और यहाँ कॉर्नर सेल्फ आउट है, इसलिए एक और अंक यहाँ 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट जरूर जालोर की झोली में। अब दबाव बनाने का वक्त है, क्योंकि यहाँ से अंक यदि अर्जित किया तो फिर सुपर टेकल में दिखाई देगा भीलवाड़ा, तो कोताही के साथ डिफेंस आइए। थाई होल्ड मजबूत, अरे वाह भाई वाह, शानदार टेकल जिसकी बदौलत है जालोर की झोली में एक और भमूल्य अंक और अब आसान मौका। 2 का डिफेंस ज्यादा आगे चले गए हैं और यहाँ सुपर टेकल की कोशिश, देखते हैं आखिर, देखते हैं। और अब सुपर टेकल में फंस गया है जालोर, 2 पॉइंट सुपर टेकल से भीलवाड़ा को, 44 के ऊपर पहुंच चुका है भीलवाड़ा, जबकि 28 के ऊपर जालोर, 16 अंक पीछे मैच में, और ये बड़ी बढ़त है, इसे काटना अब कठिन ही दिखाई देने लगा है। डिफेंस ने भी कमजोरियां साबित की हैं और फिर से वही कहानी दोहराई जिसका हमने जिक्र किया,
एक नंबर में इरफाना बानो ने गलती को पुनः दोहराया और एक अंक गवाया, लेकिन शिमा ने इधर से एक अंक बटोरने में सफलता पाई। जालौर 29 जबकि 42 पे इस वक्त भीलवाड़ा 16 अंक की बढ़त ज्यों की त्यों। मजबूत डिफेंस की आवश्यकता जालौर को वापसी के लिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और यहां फिर से वही गलती दोहराई, अनियमित तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की, बोनस के साथ अंक गंवाया 47 के ऊपर 68 के करीब इसम भीलवाड़ा, जबकि 30 के ऊपर अंतिम 5 मिनट का वक्त 47-29 का स्कोर, 18 अंक की बढ़त। भीलवाड़ा 5 न के डिफेंस में 4 नंबर जर्सी में, दो पॉइंट अर्जित करने में कामयाब। लगातार देखिए अपनी कमजोरी साबित करते हुए, खासकर डिफेंस के रूप में जो गलतियां की हैं उसी की बदौलत अब बैकफुट पे चला गया है और इसलिए वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। साइड लाइन से बाहर भेजा, रेड राउट, एक अंक भीलवाड़ा की झोली में फिर से, और इसी के साथ हर शतक आता हुआ 50 कम्स अप भीलवाड़ा 50 अंक स्कोर, जबकि 29 के ऊपर जूझता हुआ इसमें सुपर टेकल भी है, मुश्किलें बढ़ती हुई। टेकल तो किया है इस बार, अरे वाह भाई वाह, यहां से अब बाहर जाना होगा भीलवाड़ा को। अच्छा कार्य किया सुपर टेकल से, 2 पॉइंट संजीवनी का कार्य करता हुआ सुपर टेकल, चोट का थोड़ा सा एहसास जरूर, लेकिन गहरी चोट नहीं है क्योंकि पकड़े गए तो फिर स्वाभाविक है। अंतिम 2-3 मिनट का खेल शेष है, 31 पे पहुंचा है, जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं और कोई चारा नहीं वापसी के लिए। सेफ ही वापस, सुपर टेकल में फिर से, लेकिन इस बार 3 का डिफेंस है, 2 के डिफेंस में अच्छा शिकार किया था। और यहाँ देखिए गलती ये बार बार दोहराती हुई ये वाले का, आगे बढ़ते हुए जो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। अंतिम 60 सेकंड का खेल शेष, जीत लगभग तय है इस समय क्योंकि 51 स्कोर है इस वक्त, और यहाँ एक अंक गंवाया है जालौर की झोली में, एक और अंक, लेकिन मैच में पिछड़ा हुआ सुपर टेकल कंटिन्यू, और इस टेकल से बाहर निकलना अब लगभग नामुमकिन। समय की नज़ाकत देखिएगा जो किसी का इंतजार नहीं करता। तेजी से आगे बढ़े हैं राइट कॉर्नर से इस समय ब्लॉक तोड़ते हुए, लक्ष्य तक पहुंच गए कुश्ती के अंदाज में, चित्त किया डिफेंडर को और मंजिल तक पहुंची, ये संभवतः लास्ट रन हो सकती है। 4 के डिफेंस में इस वक्त मैच बिल्कुल निर्णायक मोड पे है, शायद इस रेड के बाद खेल समाप्त होगा, समय इजाजत नहीं दे रहा। अब 2 नंबर में इसमें भीलवाड़ा, 8 सेकंड का खेल, और यहाँ इस रेड के साथ ही सीटी बजेगी। जी हाँ, लीजिए समय समाप्त, और इसके साथ ही भीलवाड़ा ने जालौर को पराजित किया, बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। आखिर 19 पॉइंट के अंतर से जालौर को हार झेलनी पड़ी। एक बार फिर छोटे से ब्रेक के लिए मैं वापस ले चलता हूँ, अगले मैच में फिर हाजिर रहूँगा। शुक्रिया।